Welcome to the Pool of Technology. If you like our videos, so subscribe my channel and also press bell button to get regular updates. Now, without wasting any time, let's begin. This meeting is being recorded. Alert. Folder. Play music. Alert. Set up professional audio. और उसने हम लोग उसका नाम है वर्ल्ड वेब और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी बहुत ही मजेदार होने वाली है और आज से हम लोग रेगुलर वीडियो बनाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब से जो वीडियो है वो रेगुलर आएगी और आप लोगों की चिंता मत कीजिए। और फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो इंग्लिश पर भी चिंता ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर ही मिल जाए और आप उनको देखते रहे और लाइक बटन भी दबा के जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वेब डिक्शनरी से हम लोग क्या कर सकते हैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, उस डिक्शनरी से आप किसी भी वर्ड का मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम ये सब आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर है वर्ड गो, तो आप गो का मीनिंग निकाल सकते हैं और उसका एंटोनिम भी निकाल सकते हैं। जैसे गो का एंटोनिम होगा कम, एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड, तो गो का होगा कम। तो ऐसे आप उससे ये सब निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसे कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसे यूज कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम उसके इंस्टॉलेशन के विजिट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी सेटअप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उसे डाउनलोड कर सके। तो फ्रेंड्स, उसका सेटअप सिंपल है एकदम। तो मेरे डेस्कटॉप पे है, तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये वर्डपैक 8 के नाम से आपको सेटअप मिल जाएगा। तो चलिए साइन इन करते हैं और हमें यूजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पे आपको एक आपको एक्सेप्ट बटन दबाना होगा, ठीक है? Word web installation dialog accept button. तो यहाँ पे एक्सेप्ट बटन आपको क्लिक करना है। Space press Word web page setup dialog. Extracting web version context red only multi-line blank. Word web dictionary slash the source setup. Edit selected C. Program files x86. तो यहाँ पे अब आपको आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा कि अगर आप दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है तो मैं टैप करूंगा। Browse but mouse plus E. इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टॉल बटन स्पेस प्रेस वर्ड वेब डिक्शनरी स्लैश द सोर्स सेटअप। तो ये वाला हो गया है डिक्शनरी का सेटअप इंस्टॉल। मीट वर्ड वेब डिक्शनरी स्लैश द सोर्स सेटअप नेक्स्ट ग्रेटर बटन माउस प्लस एन नेक्स्ट करेंगे स्पेस प्रेस क्लोज हेल्प बटन क्लोज बटन और यहां पे हेल्प और क्लोज का ऑप्शन आ गया हेल्प क्लोज प्लस स्पेस। तो ऐसे आप इस डिक्शनरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग विजार्ड बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, एक्सेप्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी में कैसे वर्ड वगैरह कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस डिक्शनरी एक्चुअली ये डिक्शनरी आपके जो है वो डेस्कटॉप पे नहीं आएगी। तो इस डिक्शनरी को आप लॉन्च कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से या फिर आप इस डिक्शनरी को स्टार्ट मेन्यू से लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्ड वर्ड को लॉन्च करते हैं। Word web, combo box, click unknown. और इसका एक शॉर्टकट कमांड भी है जो है Alt Control W। तो आप Alt Control W कहीं पे भी दबाएंगे तो ये डिक्शनरी लॉन्च हो जाएगी। चलिए करते हैं Alt Control W। Word web, combo box, collapse, edit plan. तो यहाँ पे पूछता है Word web, combo box, collapse, edit plan, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना है। बाय डिफॉल्ट आपको जो फोकस जिस एडिट बॉक्स में आपको लैंड होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ड लिखना होगा जिसका आपको मीनिंग या कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गो, तो हम लोग पहले गो से ही स्टार्ट करते हैं। आपको लिखता गो जी ओ गो वर्ड मैप कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स एडिट गो एंटर करना है, ठीक है? मैं टैप करेंगे टैप कंट्रोल वर्ड मैप टैप सेलेक्टेड, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, एक और बार टैप करेंगे
Word web property page, edit read only multi-line change location. Proceed. Also used metaphorically. ठीक है तो यहाँ पे आपको बता रहा change location. यानी कि जाने का मतलब क्या होता है? इधर से उधर जाए तो आपकी location change हो गई. तो आपको यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. एक बार फिर से टैप करेंगे. Tab control. Synonyms tab selected. Synonyms tab selected. ठीक है तो यहाँ पे आपको एक और बार टैप करना है. List item not selected. ठीक है तो अब आपको मतलब वो के सिमिलर यानी कि वो मतलब मीनिंग सेम रहेगा लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाएंगे. सिनोनिम्स का ये मतलब होता है. तो कैसे डाउनलोड करोगे आप वर्ड्स पढ़ सकते हैं. Atom, become, belong, blend, blended, break, breakdown. ठीक है तो ये सारे हैं इसके सिनोनिम्स. अब आपको अगर इसका एंटोनिम देखना है तो क्या करना है? स्किप टैप करना है. सिनोनिम्स टैब सिलेक्टेड. फिर आपको राइट एरो करना है. एंटोनिम्स टैब सिलेक्टेड. एंटोनिम्स टैब फिर आपको टैप करना है. लिस्ट कम नॉट सिलेक्टेड. कम तो देखिए यहाँ पे वो का एंटोनिम अपोजिट क्या होता है? कम. तो यहाँ पे आपको उसने आपका एंटोनिम बता दिया. ठीक है यहाँ पे और भी आपको टैब्स मिलेंगे जैसे एंटोनिम्स टैब से राइट एरो करेंगे तो टाइप ऑफ टैब सिलेक्टेड. टाइप ऑफ टैब ये कौन से टाइप ऑफ का वर्ड है? टाइप टैब सिलेक्टेड. टाइप सी किस टाइप में बिलोंग करता है? सी आल्सो टैब सिलेक्टेड. सी आल्सो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सिमिलर टैब सिलेक्टेड. सिमिलर टैब सिलेक्टेड. सिमिलर टैब. ठीक है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब देखने को मिल जाते हैं. चलिए अब दूसरे वर्ड के साथ ट्राई करते हैं. लिस्ट ऑफ कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स एडिट सेलेक्ट गो ब्लैंक सिलेक्शन रिमूव. तो यहां पे आपको हमने बैकस्पेस किया यहां पे आके अब आपको अब कौन सा वर्ड ले हम लोग कौन सा ले कौन सा ले. चलिए हम लेते हैं बिकम. बी ई ओ एम ई. एंटर करेंगे बिकम. ठीक है आपको टैप करना है फिर से. टैप कंट्रोल वर्ड वेब टैप सिलेक्टेड. वर्ड वेब प्रॉपर्टी. फिर आपको यहाँ पे आपको फिर से वही वर्ड वेब प्रॉपर्टी पेज पे आपको इसका मीनिंग मिलेगा. कॉम्बो टैप कंट्रोल वर्ड वेब टैप सिलेक्टेड. वर्ड वेब प्रॉपर्टी पेज एडिट रेड ओनली मल्टी लाइन एंटर अस्सुम अ सर्टेन स्टेट ऑफ कंडीशन. ठीक है तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा कि आप बिकम का मतलब क्या होता है. ठीक है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है. एडिट रेड ओनली मल्टी लाइन बिकेम अनॉयड व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज़. तब आपको सेंटेंसेस भी दे रहा है आपको एग्जांपल कि आप समझ सके कि अगर आपको कोई सेंटेंस चाहिए कि अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आप इसे इजीली समझने के आपको सेंटेंस भी इससे आप ऐसे पढ़ सकते हैं. ठीक है अब यहाँ पे आप एंटोनिम देखते हैं अगर कोई अवेलेबल है तो. टैब कंट्रोल सिनोनिम्स टैब सिलेक्टेड. टाइप ऑफ टैब सिलेक्टेड. तो यहाँ पे सिनोनिम्स के बाद वहाँ सिर्फ टाइप ऑफ टैब है मतलब उसका एंटोनिम नहीं है मतलब बिकम का कोई एंटोनिम नहीं है यानी कि कोई अपोजिट वर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको ये वाला टैब नहीं दिखाएगा. ठीक है तो ऐसे आप डिक्शनरी से अच्छे से अपने वर्ड के मीनिंग एंटोनिम्स ढूंढ सकते हैं और इस अपने सारे अपने वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हैं. तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर. If you have any questions, ideas, suggestions, so you can mention them in the comment box, and you can also message me at WhatsApp/Telegram and also feel free to call me up on 965-0052-964. So, till then, stay safe, stay tuned, and stay updated also. Thank you for watching our videos, have a nice day.